जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त शाहरुख पटेल एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज हम जानेंगे श्रम संहिता, संगठन संगठित और असंगठित क्षेत्र के दिहाड़ी मजदूर। हाल ही में संसद ने मानसून सत्र में श्रमिकों के कल्याण एवं अधिकारों को बढ़ाने के लिए 3 विधेयक संसद से पारित किए। संसद द्वारा संगठित और असंगठित कामगारों के लिए अधिकार संपन्न बनाएगी सरकार, इसलिए यह कदम उठाए गए। सरकार ने इन विधेयक में जवाबदेही, पारदर्शिता और सरल कार्यतंत्र शुरू करने का प्रयास किया है। श्रमिकों के कार्य के लिए एक सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना श्रमिक सुधार संहिता के अंतर्गत उपजीविका जन्य सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता 2020 के अंतर्गत 13 कानूनों को जोड़ा गया है, जिसमें श्रमिकों के स्वास्थ्य के लिए सुरक्षा एवं स्वस्थ वातावरण की बात की गई है। उपजीविका जन्य सुरक्षा वाला जो विधेयक है, इस विधेयक में किस तरह श्रमिकों की सुरक्षा की जाए और किस तरह से उनके स्वास्थ्य की देखभाल की जाए उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। औद्योगिक संबंधित संहिता 2020 में भी 3 कानून जोड़े गए। इस संहिता का मकसद प्रभावी एवं समयबद्ध विवाद निस्तारण प्रणाली अपनाना है, यानी कि यदि कोई मजदूरों और प्रतिष्ठित संस्थानों के बीच किसी बात को लेकर विवाद होता है तो उसको औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के अंतर्गत लाया जाएगा और उसे जल्द से जल्द निपटाने का प्रयास किया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में 9 कानून जो पुराने बने हुए थे उन्हें जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी कानून बनाना है। वर्तमान में 50 करोड़ से भी ज़्यादा संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक कार्यरत हैं। श्रम सुधारों की प्रक्रिया सन 2014 में शुरू की गई थी। श्रम सुधारों का मकसद उद्योग जगत और संबंध पक्षों में सामंजस्य स्थापित करना, श्रमिकों की वेतन सुरक्षा करना, काम करने के वातावरण की सुरक्षा करना, श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा करना, त्वरित विवाद निस्तारण प्रणाली उपलब्ध कराना, प्रभावी और पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित करना है। साथ ही वार्षिक स्वास्थ्य जांच मुफ्त कराने का भी प्रावधान किया गया है। हर वर्ष प्रत्येक श्रमिक की मुफ्त में स्वास्थ्य जांच कराने का भी प्रावधान इसके अंतर्गत है। श्रम संहिता के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय कार्य करता है। प्रवासी मजदूर के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। उपजीविका जन सुरक्षा के अंतर्गत एक दिन में कोई भी श्रमिक 8 घंटे से अधिक कार्य नहीं करेगा। 8 घंटे कार्य करने का प्रावधान, महिलाओं को शाम 7 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले काम कर सकती है। यदि महिलाएँ खुद इस बात की गारंटी देती है कि हम सुबह 6 बजे से पहले और शाम को 7 बजे के बाद काम करना चाहते हैं तो वो कर सकती हैं। ओवर टाइम करने के लिए पहले से श्रमिकों की सहमति, साथ ही उन्हें दोगुनी मजदूरी देनी होगी। श्रमिकों के हक सप्ताह में 6 दिन से ज़्यादा, हर सप्ताह में एक सप्ताह में 6 दिन से ज़्यादा कार्य नहीं किया करवाया जाएगा। साथ ही EFO का भी विस्तार किया जा रहा है। असंगठित कामगारों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस की शुरुआत की जा रही है। राष्ट्रीय डेटाबेस के तहत 100 प्रमाणित ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा, जिससे कामगारों को काम उपलब्ध कराने के लिए प्रतिष्ठानों का आदेश दिया गया है कि वह रिक्त पदों की सूचना ऑनलाइन ऑनलाइन देंगे, जिससे कि कामगारों को आसानी से पता चल सके। औद्योगिक संबंध संहिता उद्योगों में हो रहे विवाद ट्रेड यूनियन विवादों के निपटाने के लिए त्वरित और पारदर्शी प्रणाली की शुरुआत की गई है। विभिन्न न्यायाधिकरणों की मजबूत किया गया है। हड़ताल पर जाने से पहले 14 दिन
किसी भी श्रमिकों के हड़ताल पर जाने से पहले 14 दिन पूर्व इसकी जानकारी उपलब्ध करानी होगी। विवादों के समाधान के लिए अधिकरण में जाने की व्यवस्था, साथ ही वार्ताकार यूनियन और वार्ताकार परिषद का गठन किया गया है। दोस्तों, यह श्रमिकों के लिए जो विधेयक में प्रावधान किया गया है उसके अंतर्गत जो बातें की गई हैं उनका इसमें जिक्र किया गया है। यह मुख्य परीक्षा में श्रमिकों की वर्तमान की हालत को देखकर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आशुरा।